Good morning everyone, welcome back to our video classes. I am Monika Sharma. आज मैं आपके लिए क्लास 8 के लिए मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर आ रही हूँ, वैदिक मैथमेटिक्स. जी हाँ, वैदिक मैथमेटिक्स. वैदिक मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? वैदिक जो शब्द है, वैदिक का अर्थ है जो वेदों से लिया गया है. अर्थात इसका मतलब क्या है? प्राचीन समय से, एशियन टाइम से ही हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके थे और काफ़ी समय से हम आज भी जो मैथ का एक पोर्शन ऐसा है जो हमारे वेदों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? वैदिक मैथमेटिक्स. अब why we need this mathematics in our books, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों है? हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है. तो उसको शॉर्ट फॉर्म में या इजी तरीके से करने के लिए हमारे पास वैदिक मैथमेटिक्स है. हमारे पास क्लास 8 के अंदर इस साल ये जो नया चैप्टर जुड़ा है, ये आपका क्लास 8 में बिल्कुल बेसिक है. 9th और 10th में भी इसका क्या होगा, ये आगे आपका पार्ट आएगा. अगर आप इसको आज क्लियर कर लेते हैं इस टॉपिक को, तो 9th 10th में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. इसके अंदर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दो चीज़ें करना सीखेंगे. सबसे पहला जो इसका एक फॉर्मूला आता है, उधर तिर्यक भ्याम. नाम सुनने में थोड़ा सा ज़रूर टिपिकल है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको समझते जाएंगे, एक दो क्वेश्चन आप इसके करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये और डिटेल में समझ आता जाएगा. तो आज का जो हमारा पहला सूत्र है, पहला फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखिए. उधर तिर्यक भ्याम. जी हाँ, ये वैदिक मैथमेटिक्स का मतलब यही है जो वेदों से ली गई है. ये तो इसका नाम भी आपको हल्का हल्का संस्कृत भाषा से जुड़ता हुआ प्रतीत होगा, दिखेगा. तो इसका नाम हमारे पास है उधर्व तिर्यक भ्याम. सबसे पहले मैं आपको ये सूत्र समझा देती हूँ, ये फॉर्मूला समझा देती हूँ कि ये फॉर्मूला है क्या और आपको कैसे इसे अप्लाई करना है. तो इस फॉर्मूले को लिखा जाता है उधर तिर्यक भ्याम. बेटा आप इस क्लास को एकदम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये आपके मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाईएस्ट जो मार्क्स का जो क्वेश्चन उठ कर आता है वो इस चैप्टर से डेफिनेटली आने वाला है. तो पहला जो आता है उधर तिर्यक भ्याम. उधर्व को संस्कृत में बोला जाता है स्ट्रेट, मतलब सीधा, और तिर्यक का मतलब क्या होता है? तिरछा. और हम ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई किसके लिए होता है? मल्टीप्लाई के लिए. जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए उधर तिर्यक भ्याम का जो सूत्र है वो किसके लिए उपयोग में, किसके लिए यूज में लिया जाएगा? फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो अब हमारा सूत्र देखिए. सबसे पहले इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. आई होप इस सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपको ये मेथड, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है. हम सबसे पहले एक इजी से डिजिट लेते हैं, 54 मल्टीप्लाई बाय 53. बिल्कुल बेसिक से डिजिट है, बेसिक सा नंबर है. जैसे जैसे हम इसको समझते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसके डिजिट्स को भी लेंथ बनाते जाएंगे. आज की हमारी जो डिजिट है वो है 54 मल्टीप्लाई बाय 53. अब जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक सम कॉलम्स. जी हाँ, हमें कुछ कॉलम बनाने होंगे. वो कॉलम कितने होंगे, कितनी संख्या में होंगे, वो आप देखें ध्यान से. कॉलम बनाने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, आप देखें यहाँ पर नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है आपके पास. तो कॉलम बनाने का जो आपका फॉर्मूला होगा वो रहेगा n-1. n होंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स, जितनी डिजिट है उनमें से आप एक माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा उतने आपके क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे. तो यहाँ पर 1 2 3 4 चार डिजिट है, 4-1 = 3, दैट मीन्स हमारे कितने कॉलम बनेंगे, 3. सो और नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक टू द कॉलम्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. हमारे पास हमारे तीन कॉलम बन चुके हैं. उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप इसको. आपको जो ये बीच वाला जो सेंटर कॉलम है, इसके अंदर आप ये दोनों डिजिट्स को एज इट इज रखोगे, मतलब 54 53. अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो आप राइट वाले डिजिट्स को उधर रखते जाएंगे, 4 3. जैसे आप लेफ्ट की तरफ आएंगे तो लेफ्ट की डिजिट्स को आप क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड रख लेंगे. आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला उधर तिर्यक भ्याम, दैट मीन्स स्ट्रेट एंड द क्रॉस यू द मल्टीप्लाई. तो आपके अगले स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट, 5
फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, इसका मतलब हो गया उधर, यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रॉस, दैट मीन्स फाइव इंटू फोर एंड फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री, आफ्टर दैट डू द स्ट्रेट स्टेप, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री, आपको एक चीज ध्यान ना, अभी आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, यहाँ पर जैसे ही आपके पास दो स्टेप आ जाएंगे, आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या रखेंगे, एक प्लस का साइन रखेंगे। इतना समझ आ गया, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ एक बार आपके लिए, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री ट्वेल्व, नेक्स्ट स्टेप ट्वेंटी फाइव, इनको आप ऐड करेंगे तो थर्टी फाइव, इनको आप ऐड करेंगे तो ट्वेल्व। अब उसके बाद अब आपको आगे क्या करना है देखेंगे ध्यान से एकदम।